हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं नैतिक अलावत आया हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे लो बजट में हम वेट गेन कैसे कर सकते हैं घर के खाने से। बाहर से हमें लेना पड़े तो सप्लीमेंटेशन हम अवॉइड करेंगे, लेकिन लेना पड़े तो बहुत कम हमें अपना जो सेविंग्स है वो यूज़ करनी पड़े। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम इस डे के स्टार्टिंग से और डे के एंड तक कैसे कैसे हम प्रॉपर मील्स के हिसाब से कैसे कैसे क्या क्या खा सकते हैं। तो सुबह उठते ही हमें पानी पीना है, 2-3 गिलास पानी पीना है। उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट जब हमें करना है तो ब्रेकफास्ट में हम 2-3 ऑप्शन ले सकते हैं। ओट्स ले लो, दूध में या नमक में, जैसे भी आपको सही लगते हैं बनाने वो आप खा सकते हो। उसके साथ दलिया, अगर किसी को ओट्स नहीं खाने वो दलिया खा लेगा, और दलिया भी अगर नहीं खाना तो भाई एक ऑप्शन है पोहा खा लो, पोहा भी आप खा सकते हो ब्रेकफास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें उसके साथ आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, मतलब हर ड्राई फ्रूट हर किसी के घर में होते ही हैं। बादाम मिलता है बादाम ले लो भाई, वॉलनट्स मिलते हैं वॉलनट्स ले लो, जो भी मिलता है। अगर कुछ भी नहीं मिलता तो आप पीनट्स घेर सकते हो, उसमें पीनट्स डाल के भी आप ऐड कर सकते हो। पीनट्स में भी हेल्दी फैट है, अच्छा खासा सोर्स है हेल्दी फैट का। उसके बाद फिर लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में हमें जूस वगैरह पीना है, फ्रूट्स खा लो, कोई भी रखा हो, बनाना बनाना हर किसी के घर में रखा रहता है। जूस नहीं मिल रहा, फ्रूट्स खा लो, बनाना खा लो। उसके बाद फिर हम लंच में जा सकते हैं, लंच में जो घर में सब्जी बन रही है प्रॉपर वो सब्जी लो। उसके बाद आप राइस ले सकते हो, रोटी ले सकते हो, जिसको जो भी सही लगे, दोनों लेनी है दोनों ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सैलड लेनी है, उसके साथ आप दही भी ऐड कर सकते हो। और जो हमें यहाँ पे बाहर से खरीद के ऐड करना होगा वो है एग। अगर अंडे खा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी खा सकते तो पनीर ले सकते हो, 100 ग्राम पनीर ले लो। तो ये सब आप लंच में खा सकते हो, वो अपने अकॉर्डिंग देख लो कि अगर आपको गेन करना है ना तो भाई थोड़ा कैलोरी सरप्लस में जाना ही पड़ेगा। तो अगर आप पहले 2 रोटी खाते थे तो अब उसको 3 कर दो, या फिर 2 रोटी 2 ही रहने दो, उसके साथ थोड़े से चावल ऐड कर लो। तो ऐसे आप अपनी डाइट थोड़ी इंक्रीज कर सकते हो। फिर आती है बात कि अगर हम शाम में वर्कआउट करते हैं तो प्री वर्कआउट मील क्या लें। प्री वर्कआउट मील के भी 2-3 ऑप्शन हैं। सबसे सिंपल ऑप्शन है कि आप दही आलू ले लो, दही मतलब बॉइल्ड आलू, और उसमें दही में मिला के आप पिंक सॉल्ट घेर के खा के जा सकते हो वर्कआउट से 1 घंटा पहले। और वहाँ पे जाके आप कॉफ़ी पी लो 10-15 मिनट पहले वर्कआउट शुरू करने से। तो ये एक बेस्ट प्री वर्कआउट मील है मेरे हिसाब से लो बजट में। अगर थोड़ा आपको नहीं हो पा रहा कि भाई मैं दही आलू नहीं खा सकता इतना, तो आप कर सकते हो कि ब्रेड, ब्राउन ब्रेड ले लो, उसके पीनट बटर लगा लो, और उसमें बनाना मतलब काट के उसके बीच में सैंडविच टाइप बना लो, और वो खा के आप 1 घंटा पहले जा सकते हो जिम से। अगर हम बात करें कि जिम के बाद क्या खाना है, तो भाई जिम के बाद अगर प्रोटीन है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप एग खा सकते हो। एग नहीं है तो ज़्यादा नहीं तो 50 ग्राम सोया पनीर खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 ग्राम एक बहुत ही मतलब सेफ है, कि एस्ट्रोजन वेस्ट्रोजन कुछ नहीं बढ़ाता इतना, कि अच्छा खासा प्रोटीन का सोर्स है, 50 ग्राम सोया पनीर खा सकते हो। फिर आती है डिनर की बात, तो डिनर में हम खा सकते हैं कि अपना जो घर में खाना बना है वही, या फिर ऐसा कर लो जो सेम आपने लंच में खाया था वो आप डिनर में भी खा सकते हो। तो इसमें हमें बाहर से ज़्यादा कुछ लेने का ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ्रूट्स हमें रेगुलर खरीदने पड़ेंगे, या फिर पीनट्स बटर लेना पड़ेगा, अंडे लेने पड़ेंगे, पनीर लेना पड़ेगा बस। और इसके लिए कोई घर वाला मना करेगा नहीं ऐसे भी, अगर आप बोलोगे कि हाँ मेरे को प्रोटीन लेना है या गेनर लेना है, उसके लिए एक बार को घर वाले बोलने लगेंगे कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार है, सब ऐसे ही ख़राब हो जाएगा, लीवर ख़राब हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। वैसे कोई ऐसा अगर ओरिजिनल है तो ख़राब वराब कुछ नहीं करता, वो खा सकते हैं। पर घर वाले फिर भी सवाल पूछते हैं भाई, सवाल उठते हैं घर वालों के मन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप ये सब चीज़ ऐड कर सकते हो, इससे कोई घर वाले कुछ मना भी नहीं करेंगे, हो सकता है वही खुद ही ला के दे दें आपको। क्योंकि देखो डाइट, आपको वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, आपको डाइट मस्ट है, डाइट तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और गेन करना है या लॉस करना है वो एक अलग चीज़ है, पर हाई प्रोटीन डाइट रखनी पड़ेगी, इसलिए प्रोटीन कंटेंट लेके आना पड़ेगा। वो अब आप पनीर से ले लो या अंडे से ले लो, जो आप खा सकते हो वो ले लो। ऐसा हो सकता, ऐसा भी कर सकते हो कि अब आपके घर में मान लो कोई सब्जी बनी है तो आप कह सकते हो कि मैं दाल खा लूँगा, या फिर कुछ भी जो ये सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, राजमा चना जो भी खा सकते हो। अगर इस जो ये मील्स बताई हैं इसके बीच भी अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं मैं कुछ खाना है मेरे को, कुछ भूख लग रही है मेरे को, तो आप रोस्टेड चना खा सकते हो, वो एक बेस्ट ऑप्शन है, अच्छी प्रोटीन भी है उसमें, प्रोटीन कंटेंट भी है, कार्ब कंटेंट भी है, वो एक अच्छा सोर्स है रोस्टेड चना, बहुत महंगा भी नहीं है,
आप कहीं से भी जाके ले सकते हो, आपको इजीली मिल भी जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि हर किसी के लोकेशन पे नहीं मिलता, हर जगह मिलता है, आप वो जाके ले सकते हो। और रात को सोते टाइम आपको एक गिलास दूध पीना है, हर कोई पीता होगा दूध तो वो पीना ही पीना है अगर आपको गेन करना है तो। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी रात को धीरे धीरे हमारी बॉडी को प्रोटीन मिलता रहता है, एक तरीके से कह सकते हैं कैसीन प्रोटीन जिसको बोलते हैं, कि जो स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है वो दूध के से मिलता है। और बहुत से विटामिन जो होते हैं वो दूध में ही मिलते हैं, वो भी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। और ग्रीन सैलेड भी खानी खानी है, ग्रीन सैलेड से हमारे मल्टी विटामिन वगैरह की कमी पूरी होती है। तो ग्रीन सैलेड ऐसा नहीं है कि अवॉइड करनी है, वो खानी है ज़रूर, हर मील्स के साथ खानी है। जो भी आपका लंच डिनर की मील है उसमें खानी खानी है। कर्ड खाने से भी, मतलब दही खाने से भी बहुत सही रहेगा, वो प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स बहुत होते हैं, आपकी डाइजेशन में हेल्प करेगी, क्योंकि आपको गेन करना है तो आपको ज़्यादा खाना ही पड़ेगा, तो आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होगी उससे। आपको ऐसा नहीं होगा कि भाई वो जो खाया है वो लग नहीं रहा, या फिर पेट में पड़ा है, मन नहीं कर रहा आगे खाने का। तो दही भी आप खा सकते हो, ये सबके घर में मिलते ही हैं ये सब चीज़, तो आप ये सब चीज़ ट्राई करो 1-2 महीने के लिए। ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन में गेन हो जाएगा, 1-2 महीना ट्राई करो। आपको ये देखना है कि आप अब 2 खाते हो तो आपको 3 करनी है, और 3 आपको खाने लगे, आपको ठीक है रिजल्ट दिख रहा है, तो आपको धीरे धीरे वो 4 कर दो। तो ये थोड़ा आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि भाई मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं कितना खा सकता हूँ, कितना मैं डाइजेस्ट कर पा रहा हूँ। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।